नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और अगर आप भी अपने खेत में वेजिटेबल्स उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो आइए आज जानते हैं कि जो देसी ये लौकी है और जो दूसरे भी वेजिटेबल्स रहते हैं उनका जो सीड है यानी कि बीज, उनकी उनको छानना, कच्चे बीजों को दूर रखना और जो सही बीज हैं उनका चयन करके उनको किस तरह से हम उगाएँ तो हमें बेस्ट रिजल्ट इसका मिल सकता है। तो सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं ये है देसी लौकी, हमारे खेत में ही हमने इसे उगाई थी और बीज के लिए एक दो लौकियों को अच्छे से पकाया था ताकि दोबारा जब इसके बीज की हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें से ही बीज ले सकें। तो बस इस लौकी को हमने अच्छे से फोड़ा, इसके बाद ये इसके दो तरह के बीज हमें इसमें से निकले हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसमें ये जो वाइट हैं ये एकदम से कच्चे हैं, ऐसे करने पर भी ये टूट जाएंगे, तो ये बीज को छानकर हमें अलग कर देना चाहिए क्योंकि अगर ये बीज का हम यूज़ करेंगे तो ये उगेंगे भी नहीं और हमारी जो मेहनत है वो व्यर्थ जाएगी। और दूसरे हैं ये बीज, ये एकदम से अच्छे से पके हुए हैं और आप देख सकते हैं ये टूट भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह के जो बीज रहते हैं उनको हमें रात को अच्छे से पानी में, स्वच्छ पानी में भिगो कर रख देना चाहिए और दूसरे दिन इसकी हमें जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आप 24 घंटे तक भी इसे अच्छे से भिगो सकते हैं ताकि ये अच्छे से भीग कर हम जहाँ भी इसको प्लांट करेंगे वहाँ ये अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये हो गया लौकी के बीज के बारे में। और अगर आपको ये सारे अभी यूज़ नहीं करने हैं, समझे इसमें से आधे आपने इसकी बुआई कर दी और आधे अगर तब भी बच गए तो आप कोई भी हवा चुस्त जो कंटेनर रहता है या फिर कोई डिब्बी आपके पास रहेगी या कुछ भी जिसमें हवा जा सके, ऐसे कोई पॉलीथीन है अगर हवा चुस्त रखने की, तो उसमें भी आप इसको अच्छे से रैप करके रख सकते हैं। तो ये हो गया लौकी के बारे में। अब हम देखते हैं इस तुरई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे कहाँ हमारे क्षेत्र में तुरिया कहा जाता है और कहीं और इसको तुरई भी कहा जाता है, तो इसके प्रादेशिकता के अनुसार अलग अलग नाम है। तो इनके बीजों को हम यहाँ से एकदम से साफ करके सारे निकाल लेंगे और इसमें भी कुछ कच्चे बीज रहेंगे और कुछ इस तरह के साफ़ और स्वच्छ बीज रहेंगे। जो कच्चे बीज होंगे वो टूट जाएंगे लेकिन ये स्वस्थ बीज हैं तो ये भी टूटेंगे नहीं। और दूसरी बात है कि मार्केट में कई सारे इसके तुरई के बीज मिल जाएंगे रेडीमेड, लेकिन कई बार क्या होता है वो खारी हो जाती है। बीज की जो इसकी गुणवत्ता है वो खास होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुरई के बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छे से ये वेजिटेबल नहीं ले सकेंगे और ये जब इसका फल लगता है तब ये खारी हो जाती है। तो इसके बीज के चयन में जो खास बात थी वो मैंने एक आपको बताई कि कच्चे बीजों को अलग से छान लेना है और दूसरी बात है कि ये जो तुरई है उसको जब भी आपको उगाना है तो इसको रात को ऐसे दूध और ये शक्कर आप देख सकते हैं इसमें हमने शक्कर भी डाली थी और दूध है गाय का, तो इसमें हमें पूरी रात इस बीजों को भिगो कर रखना है ताकि ये जो तुरई हम लेंगे इसका जो वेल बनेगी उसके जो फ्रूट लगेंगे जब ये तब ये तुरई खारी नहीं होगी और इसका फल भी अच्छे से लगेंगे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि ये देसी जो हमें इन तुरई और लौकी ये दोनों बीज हमने देसी लिए हैं, इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि जो हम पैकेट के बीज लेते हैं वो उसकी साइज़ भी खूब छोटी रहती है, गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रहती है। तो ये जो देसी बीज रहते हैं इसकी साइज़, ये लौकी तो अभी भी छोटी है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बड़ी लौकियाँ हम अपने खेत में लेते हैं, तो इसीलिए जो गुणवत्ता की जब बात आती है तो जो ये देसी बीज रहते हैं इनके कंपेरेटिवली दूसरे जो सब्जियां रहती हैं वो काफ़ी गुणवत्ता उनकी कम रहती है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।